हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। साथियों नमस्कार, मैं संजीव कुमार मिश्रा भोजपुरी फिल्मों का एक एक्टर हूँ। मैं सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं खेसारी लाल जी के साथ एक पिक्चर कर रहा हूँ, पिक्चर का नाम है बाप जी, और उसी के सेट पे मैं हूँ। बहुत अच्छी यह पिक्चर बन रही है खेसारी लाल जी की। खेसारी लाल जी की कई फिल्में की है हमने, हमारी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, दिनेश लाल जी के साथ, पवन जी के साथ, चिंटू जी के साथ। चिंटू जी के साथ तो हमने अपनी पहली फिल्म की थी और उसके बाद तो फिर फिल्मों की लाइन लग गई। पवन जी के साथ ही हमने बहुत सारी फिल्में की हैं। पवन जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है पवन पुत्र, घातक, ये सारी फिल्में पवन जी के साथ आ रही हैं। दिनेश जी के साथ मुकद्दर का सिकंदर आ रही है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं दिनेश जी के भी साथ, खेसारी जी के भी साथ यह फिल्म तो है ही। इसके अलावा मेहंदी ला के रखना पार्ट 3 भी है, और चिंटू जी के साथ अभी दोस्ताना इसके बाद वही करने जाना है। तो यह पिक्चर जो जिस पे काम हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी पिक्चर बन रही है, और मैं चाहता हूँ कि जब यह रिलीज हो तो आप लोग इसका मजा लें। बहुत खूबसूरत, बहुत पारिवारिक, और मुझे लगता है कि अभी तक मेरा अपना अनुभव बताता है कि भोजपुरी में शायद ऐसी फिल्म नहीं बनी। बाप जी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में बताएंगे? बाप जी के डायरेक्टर देव पांडे जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर, और इनकी अब तक की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई हैं। इसके पहले इन्होंने बनाई थी खेसारी जी को ही लेके हम हिंदुस्तानी, वह पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, और खेसारी जी को ही लेके ये दूसरा धमाका कर रहे हैं, और यह पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट होने जा रही है। फिल्म पारिवारिक अभी आजकल ज़्यादा चलती है, कोई भी डबल मीनिंग फिल्म नहीं बन रही है, इसका मेन वजह क्या रहा होगा? अब पब्लिक उन चीज़ों को देखना नहीं चाहती है, पब्लिक उब चुकी है, और अब धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों में बदलाव आ रहा है, और अब भोजपुरी फिल्में अच्छी बनने लगी हैं, और यहाँ जितनी भी गंदी चीज़ें थी वो सारी हट रही हैं, अब सामाजिक फिल्में बन रही हैं, मार धार एक्शन भी कम हो रहा है। यह फिल्म जो आप देखेंगे इसमें मार धार एक्शन कम मिलेगा, लेकिन हंसना और रोना बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस पिक्चर में घुसने, ये हॉल में घुसने वाला कोई भी शख्स आखिरी तक सीट छोड़ के नहीं उठेगा, इंटरवल में भी शायद नहीं। फिल्म का नाम है बाप जी खेसारी, किस तरह के रोल में मतलब इसमें नजर आएंगे? यह एक बाप बेटे की कहानी है। यह फिल्म, इस फिल्म के बारे में ज़्यादा तो खैर मैं नहीं बता पाऊँगा, आप लोग हॉल में ही देखें तो मज़ा आएगा, लेकिन यह पिक्चर लाजवाब है। मेरा कैरेक्टर इसमें एक पंडित का है, और हम लोग खेसारी जी के विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन एक गार्जियन की तरह उसको डांटते उठते जरूर रहते हैं फिल्म में, और यह बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी पिक्चर, और इसमें ब्रजेश त्रिपाठी जी भी हैं, आप लोग देखेंगे तो इसको, मनोज टाइगर जी भी इसमें हैं, मनोज टाइगर जी ने फादर का कैरेक्टर किया है। बहुत अच्छी पिक्चर, बहुत मज़ेदार। आप हमेशा अलग अलग किरदार में जाते हैं, कितना मज़ा आता है, और कौन सा सबसे ज़्यादा अब तक अच्छा रोल आपने किस फिल्म में किया है? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि सबसे अच्छा कैरेक्टर किस में किया है, लेकिन इतना जरूर है कि हर ढंग का कैरेक्टर हमको करने को मिला है। पुलिस का दरोगा बने, जज बने, फादर, शायद ही कोई हीरो हीरोइन होगा जिसके फादर बन के हम ना आए हों अभी तक, तो है, सब कुछ चल रहा है सब। आपका रहने वाले कहाँ, शुरुआत कैसे हुआ आपके सिनेमा में? हम रहने वाले बिहार सीतामढ़ी जिला में जानकी स्थान एक जगह है, हम वहीं के रहने वाले हैं। राजकुमार पांडे जी हमको फिल्म में लेके आने वाले पहले व्यक्ति हैं। जीना तेरी गली में एक पिक्चर आई थी चिंटू जी की पहली बतौर हीरो फिल्म, और वही मेरी पहली फिल्म भी थी, और उसी के बाद एक शुरुआत हो गया, और आज हमको लगता है कि 150 से ज़्यादा फिल्में हैं हमारे पास।
और इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद अभी एक दोस्ताना करना है, वो पिक्चर करेंगे, उसके बाद फिर पवन जी की एक पिक्चर है वो करेंगे, लगातार फिल्म है। लोग आपको क्यों याद करते हैं ज़्यादा ज़्यादा? अब लोग क्यों याद करते हैं कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिल्में हमको मिलती हैं, सारे लोगों का प्यार हमको मिलता है और हम तो बस करते जाते हैं। और कोई सपना जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो? अभी तो बहुत कुछ है जो पूरा नहीं हुआ है, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी जीरो पे हैं, अभी 100 तक जाना है। हीरोइनों में सबसे ज़्यादा अच्छी आपको कौन हीरोइन लगती है? सारी हीरोइनें अच्छी हैं, सारे लोग अच्छे कर रहे हैं, ऐसे आमपाली जी अच्छी हैं, बाकी सारे लोग अच्छे। और किसी के नाम लेना चाहेंगे? नहीं, और किसी का नाम लेके हम फंसना नहीं चाहते हैं, सारी हीरोइनें अच्छी हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। खेसारी जी के बारे में और क्या आप बता सकते हैं, कैसे इंसान है वो? खेसारी जी जैसा सुलझा हुआ इंसान और उनके जैसा सुलझा हुआ एक्टर कम से कम हमको तो अभी तक नहीं मिला, और नेचुरल जो एक्टिंग वो कर जाते हैं वह करना मुश्किल है किसी भी एक्टर के लिए। सीन को कैसे जी लेना है, किसी भी कैरेक्टर को कैसे जी लेना है, किसी भी सीन को कैसे जिंदा कर देना है, अगर सीखना हो तो खेसारी जी से सीखा जा सकता है। उनसे अच्छा इंसान, उनसे अच्छा एक्टर हमको तो अभी तक नहीं समझ में आया कोई दूसरा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।